ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुल्लू बस हादसे को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग महाअभियान चलाने जा रहा है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सभी अधिकारियों को सड़क पर उतरकर परिवहन व्यवस्था जांचने के आदेश जारी किए हैं। बंजार हादसे को लेकर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जांच से पहले ही बस को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। मीडिया से उन्होंने कहा कि सबसे पहले बसों की कंडीशन देखी जाती है, इसकी कंडीशन ठीक थी और बस की पासिंग और इंश्योरेंस भी ठीक पाया गया है। उन्होंने कहा कि बस में ओवरलोडिंग थी, प्रारंभिक जांच में मानवीय चूक लग रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग और स्थानीय पुलिस की लापरवाही भी है। उन्होंने माना कि बस नया चालक चला रहा था, जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क अच्छी है और मोड भी खुला है। हालांकि बाद में वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री ने ऐसा कुछ कहने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरे दिन जिस जगह हादसा हुआ वहां पत्थर रखकर रोक लगाने का काम शुरू हुआ। मंत्री के हादसे की जांच पूरी हुए बिना ही क्लीन चिट देने को लेकर मृतकों और घायलों के परिजनों ने रोष जताया है। मोदी और प्रदीप जी दोनों का आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही तय करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये सब होता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, NBI जो है, हमारे RTO है, जो भी हमारा फील्ड कॉप्स है और ये चाहे वो पुलिस विभाग से रिलेटेड जो भी इस संबंध में कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इसमें यह है कि हम तो इस बात पर विचार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि चाहे लोक निर्माण विभाग क्यों ना, क्या काम की क्वालिटी ठीक है, किसके कारण से, तो हर एक की इसके ऊपर जो है जवाबदेही पक्का तय करनी और जवाबदेही तय करके ताकि यह है कि हर आदमी अपने काम को तो जिम्मेदारी पूर्वक करे। और ये जो चेकिंग इत्यादि का काम है, यह केवल मात्र कुछ दिनों की कैंपेन या कुछ दिनों का रिवाज नहीं, ये लगातार का काम है। और फिर रोड सेफ्टी पर जो जागरूकता जो अभियान है, ये भी ये नहीं कि कोई सप्ताह या महीना बना करके नहीं, ये लगातार 365 दिन का हमारा ऐसा विषय बने, इसके लिए हमको काम करना है। और उसमें सभी को बड़े खुले मन से पूरे प्रदेश की जनता या सभी को, ये तो सब पूरे सब दुनिया का एक विषय, तो सभी को इसके लिए आमंत्रण है कि सब लोग इसमें यानी जो भी जिनके ध्यान में आता है तो वो जो उसमें जो है ध्यान दे ताकि ऐसी घटना ना हो। इंक्वायरी हो इसकी भी हमने शुरुआत कर दी है और ADM की अध्यक्षता में ये जांच भी चल रही है। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कल सायंकाल से ही बहुत व्यथित थे और इसीलिए उन्होंने आज सारे काम छोड़ करके स्वयं वो वहां पर आए और उसके पश्चात जाके अस्पताल में जाके एक एक घायल का कुशलक्षेम पूछा और सबके लिए जो भरपूर मदद कर सकते हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन अब ये कि जो भी सरकार की ओर से मुआवजा देना है और फौरी राहत है वो सबका सब तो खैर देंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि अब उनका जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। और इसलिए यह कि अब वैसे सरकार बहुत सख्ती से ऐसी सब घटनाएं ना हो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आगामी आने वाले दिनों में लगता है कि बहुत ज्यादा सख्ती की आवश्यकता है। और 0% जो टॉलरेंस है रोड सेफ्टी के संबंध में, ये हमको करनी है। और अभी एक हाई पावर मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में भी की है, जिसमें हमारे सारे CS और बाकी सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, HRTC के और सभी लोग साथ बैठ करके और उसमें बहुत सी बातों पर विचार किया है। तो इसलिए इसको हम बहुत एक जिसको कहते हैं रोड सेफ्टी को एक लगातार एक कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और इतना ज्यादा थी कि बस 42 सीटर थी और उसमें 81 लोग बैठे थे और सीधा सीधा इसमें तो एक ओवरलोडिंग ही सबसे बड़ा कारण रहा। और उसके बाद तो गहरी खाई में गिरी और बहुत से लोग उसमें यानी के मारे गए। और उसके पश्चात है कि कुछ 44 लोग ऐसे हैं कि जो मृत्यु का शिकार हुए और उसके पश्चात 37 लोग हैं जो भी उपचाराधीन है। कल हम जब मौके पर गए तो पहला तो जो 39 जो डेड बॉडीज हैं जो वहां स्पॉट पर ही हमको मिली थी, तो उनको वही स्पॉट पर बंजार के अस्पताल में जाकर के ही रात के 12 बजे तक सभी का पोस्टमार्टम इत्यादि करके और उनके परिजनों को सभी डेड बॉडीज को दिया गया।
और कुल्लू के अस्पताल में भी 5 अन्य जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और उनका आज सुबह 8 बजे उनका पोस्टमार्टम इत्यादि करके उनको यानी घरों को उनके लिए परिजनों के साथ भेज दिया। और अभी जो कुल्लू का जो हमारा हॉस्पिटल है वहां पर 22 अभी तक वहां पर उपचाराधीन है और 22 लोग अभी स्टेबल हैं, खतरे से बाहर है। लेकिन उसके साथ ये कि 11 लोग और जिनको गंभीर रूप से चोट लगी है जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया और वो सभी लोग पीजीआई पहुंच गए और वहां पर उनका हमारी ओर से भी और पीजीआई मैनेजमेंट की ओर से भी तुरंत सारा इलाज का काम प्रारंभ किया है। और उसमें से एक व्यक्ति नेरचौक मेडिकल कॉलेज को भी भेजा गया, वो भी खतरे से बाहर है। अब ये घटना बहुत दुखदायी है और आपके माध्यम से भी मैं पहला तो यह है कि जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं उनके प्रति संवेदना भी प्रकट करता हूं और ईश्वर उनको इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति भी प्रदान।